Hello everyone, welcome to Salt Academy. First of all, happy Teachers Day to all of you. Due to some reasons, मैं कई दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा था, लेकिन अभी से रेगुलर हो जाएंगे. अब से आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे. आज से हमारा करंट अफेयर्स का एक सीरीज शुरू हो रहा है, तो मैं करंट अफेयर्स की मंथली जो है बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ. जनवरी 2020 से स्टार्ट होते हुए और अभी तक का टाइम तक का वो कवर होगा पहले फेज़ में, और फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो 2019 का जो बैक का पूरा है, तो बैक टू बैक दोनों चीज़ें हम कवर कर लेंगे. तो कोशिश ये रहेगी कि एक महीने का जो वीडियो हो, जैसे जनवरी मंथ का वीडियो है, वो मैक्सिमम तीन वीडियोज़ में या दो वीडियोज़ में, दो पार्ट में हो जाए. तो इस तरह दो या तीन पार्ट्स में हर मंथ का होते होते यहाँ तक आ जाएगा. यूँ तो करेंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, और डेली बेसिस पे यूँ अगर देखा जाए तो दुनिया भर में बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, और वो जो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और हमारे सोशल स्फेयर को कहीं ना कहीं बड़े इवेंट्स होते हैं वो प्रभावित करते हैं. तो लेकिन परीक्षा के उपयोग से या परीक्षा उपयोगी जो मुख्य बिंदु हो सकते हैं, जिन पे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं या संभावित होते हैं बनने के लिए, उन टॉपिक्स को टच करना बहुत ज़रूरी है. तो इस जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है जो मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, इसमें हर मंथ में घटने वाले कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उनको हम डिस्कस कर ले चलेंगे और उनका इन डेप्थ एनालिसिस भी करते चलेंगे, ताकि उससे सपोर्टिंग और भी जो फैक्ट्स हैं वो भी आपको पता हो. उससे फ़ायदा ये होगा कि आप स्टोरी वाइज उसको कनेक्ट भी कर पाएंगे, वो याद भी रहेगा, और दूसरी बात उसके कोई भी पॉइंट्स इधर उधर आपके छूटेंगे नहीं. तो ये हम आज से शुरू कर रहे हैं. कुछ पॉइंट्स मैं आज बता देता हूँ, बाकी मैं डेली बेसिस पे इसको कराते चलूँगा. तो फॉर स्टार्टर्स हम शुरू करते हैं. एक जनवरी का जो एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था वो ये था कि काला पानी बॉर्डर जो इशू है, जो कि नेपाल का काला पानी बॉर्डर इशू है वो था. इसकी कहानी ये थी कि जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जब हमने किया नवंबर 2019 में, तो उसके बारे में मैं दूसरा एक वीडियो लाऊंगा जेएनके के लिए, जिसमें कैसे कैसे उसके डिविजन्स हुए हैं. लेकिन हाँ, अभी देख लीजिए कि जेएनके जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, उसके लिए हमें एक नया मैप बनाना पड़ा था इंडिया का. अब उस नए मैप को जब हमने बनाया, तो उसमें एक चूँकि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो उनके बॉर्डर्स को भी सही तरीके से बनाना ज़रूरी है, तो हमने तो अपनी तरफ से सही मैप बनाया था, लेकिन नेपाल को इसमें ऑब्जेक्शन हो गई थी, क्योंकि एक पॉइंट है काला पानी जो कि ट्राई जंक्शन पॉइंट है. मतलब वहाँ पे तीन देशों के बॉर्डर्स मिलते हैं, एक तो भारत का, दूसरा नेपाल का और तीसरा तिब्बत यानी चीन का. तो इन 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 तीनों का एक जंक्शन है, उसको काला पानी बोलते हैं. और इस बॉर्डर का जो जो निर्धारण हुआ था वो 1816 में ही हो गया था. 1816 में एक ट्रीटी ऑफ सुगाली हुई थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी. ट्रीटी ऑफ सुगाली में क्या हुआ था कि जो महाकाली रिवर है, जो नदी है महाकाली, जिसे शारदा नदी भी बोलते हैं, शारदा रिवर, उसको नेपाल का पश्चिमी बॉर्डर यानी उसके पश्चिम में पूरा इंडिया चला जाएगा, यानी उसका पश्चिमी बॉर्डर जो है नेपाल का महाकाली रिवर कहलाएगा. तो ये एक सुगाली ट्रीटी का वो हुआ था. अब इसमें अगर देखा जाए तो ये हमने तो मैप सही बनाया, लेकिन नेपाल को इसमें ऑब्जेक्शन है. तो ये एक बड़ा पॉइंट था. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आराम से उठ सकते हैं, जैसे काला पानी कहाँ पे लोकेटेड है, ये बॉर्डर किन किन कंट्रीज़ को टच करता है, और इससे रिलेटेड और भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कि मैं एक क्वेश्चनर वाले जो वीडियोस हैं उसमें कवर कर लूँगा. अभी के लिए इतना टॉपिक इसका ये था. नेक्स्ट हम देखते हैं. नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, जिसमें कि ट्रांसफ़र ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज यानी ऐसे संसाधन जो किसी एक समूह या कम्युनिटी उसको यूज़ करता है, उसके जनजीवन में काम आता है, जैसे कि तालाब हो गया, पॉन्ड. तो एक किसी गांव में अगर कोई सामूहिक तालाब है जिसमें सभी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं,
उसको अगर किसी प्राइवेटाइज कर दिया जाए या किसी कमर्शियलाइज पर्पस के लिए यूज़ हो जाए, उसका कमर्शियलाइजेशन कर दिया जाए, किसी प्राइवेट कंपनी या इंडस्ट्री को दे दिया जाए, तो वो सच में वहाँ के लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा, तो वो एक तरह से उनकी जो मौलिक अधिकार है उनको छीनता है। तो सुप्रीम कोर्ट इस वर्डिक्ट में एक पटिशन दायर हुआ था जिसमें NGT जो कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैसले देता है, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक पटिशन को खारिज कर दिया था। एक याचिका आई थी जिसमें ये कहा गया था कि ये आप प्राइवेट फर्म्स को ना दें, तो उसको उसने खारिज कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया और फिर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो राइट टू लाइफ है जो गारंटीड होता है आर्टिकल 21 में, उसको ये सेफगार्ड करता है ये चीज़, तो इसलिए जो कम्युनिटी जो कॉमन्स होती है, जो विलेज की कॉमन्स यानी जो रिसोर्सेस होते हैं जैसे कि पॉन्ड, तो तालाब को अगर कोई एक पूरी कम्युनिटी यूज़ कर रही है तो उसको कोई भी प्राइवेटाइज, कोई भी गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज या कमर्शलाइज नहीं कर सकती, किसी प्राइवेट इंडस्ट्री या कंपनी को नहीं दे सकती। तो ये एक डिसीजन था। नेक्स्ट है कि NIP के टास्क फोर्स ने एक हाल ही में रिपोर्ट पब्लिश की थी जनवरी में, तो उसमें NIP पहले क्या है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये इसके बैक में जाएं तो स्टोरी ऐसी है कि जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार सत्ता में आए 2019 में, तो उन्होंने $5 trillion की इकॉनमी मतलब अचीव करने के लिए इंडिया के लिए एक तरह का रास्ता बनाने का कुछ सुझाव दिया, तो उसमें टास्क फोर्स एक गठित हुई NIP यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का एक पूरा वो ढांचा बना, जिसमें 5 साल के अंदर ये यानी 2019 से 2024, अब जो कि 25 हो गया, तो ये इतने समय में ये $5 trillion इकॉनमी हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो इससे होगा क्या कि इसमें बहुत ज़्यादा फंडिंग होगी। फंडिंग कैसे होगी, सिर्फ सेंटर नहीं देगा, सेंटर भी देगा, स्टेट भी देगा और प्राइवेट जो प्राइवेट सेक्टर है उनसे भी फंडिंग आएगी। तो इस फंडिंग का एक फॉर्मूला बना है, 39 जो पार्ट होगा वो सेंटर का होगा और फिर 39 स्टेट का होगा और जो प्राइवेट सेक्टर का पार्ट होगा वो 22वां हिस्सा होगा। तो 100 में से इतने पार्ट सबके ये फॉर्मूले पे चलेगी। तो इस फंडिंग का इस्तेमाल हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में करेंगे, यानी एक तरह से आधारभूत संरचना एक ढांचा बनेगा हर जगह पे जहाँ जहाँ ज़रूरतें हैं और हमारी इकॉनमी को ग्रो करने के लिए। तो इसकी मदद से फिर हम अपनी इकॉनमी को बूस्ट कर पाएंगे और $5 trillion की इकॉनमी अचीव करने में हेल्पफुल होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 SS लीग 2020, तो SS लीग 2020 में दो तरह के कैटेगरी बनाई गई है। अब चूंकि स्वच्छता को लेकर ये काफ़ी जागरूकता फैलाई गई थी, तो उसमें क्या है, हर सिटी का एक रैंकिंग दी जाती है, तो उसमें दो कैटेगरी बनाई गई हैं कि किसी भी सिटी में पॉपुलेशन के आधार पे 1 लाख से 10 लाख की जो पॉपुलेशन वाली सिटीज़ हैं उनकी अलग एक कैटेगरी है और 10 लाख से ऊपर वाले पॉपुलेशन की जो सिटीज़ हैं उनकी एक अलग कैटेगरी है। तो दोनों में अगर देखा जाए तो जो 10 लाख से अबव वाली पॉपुलेशन वाली कैटेगरी है उसमें इंदौर ने टॉप किया है और ये 1 से 10 लाख वाले में जमशेदपुर ने टॉप किया है। DRDO की 5 अलग अलग लोकेशंस पे हाईटेक लैब्स स्टैब्लिश होंगी जिनका अलग अलग सेक्टर्स में काम होगा और पांचों की अलग अलग स्पेसिफिक एक सेक्टर होंगी जिस पे एक टेक्नोलॉजी होगी जिस पे वो काम करेंगे। तो ये जो 5 शहर हैं वो बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद, तो इन 5ों में ये DRDO की 5 लैब्स हाईटेक लैब्स इस्टेब्लिश होंगी। इसमें इसको DRDO यंग साइंटिस्ट लैब DYSL कहा गया है।
क्योंकि क्यों इसको यंग कहा गया है, क्योंकि इसके जितने साइंटिस्ट होंगे वो 35 साल से कम की उम्र के सभी वैज्ञानिक होंगे इसमें। तो ये 5 हाईटेक लैब्स होंगी और इनके 5 जो सिटीज़ हैं वो ये हैं, और इन 5ों में अलग अलग जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन पर ये काम करेंगी, तो उसमें एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी है, फिर आपका कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी है, फिर एसिमेट्रिकल टेक्नोलॉजी एंड देन स्मार्ट मटेरियल्स। तो ये 5 अलग अलग हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन पे ये 5ों हाईटेक लैब्स DRDO की काम करेंगी इन 5 लोकेशंस पे, जो कि हैं बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग जो है इस साल इंप्रूव हो गई है। 2019 में ये 77 थी 19 में, और अभी जो 2020 में ये 63rd रैंकिंग इसकी आई है, तो काफ़ी इंप्रूव होकर रैंकिंग आई है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। इसका मतलब ये होता है कि हमारे देश में बिजनेस करने के लिए अच्छे जो रास्ते उपलब्ध कराए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, काफ़ी फैसिलिटेशन मिलती है, तो इसके आधार पर ये रैंकिंग होती है जिसमें पिछले साल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है इंडिया की। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक मार्केट स्टडी जो की है उसमें ई कॉमर्स पे एक स्टडी की है जिसमें कि पाया गया है 51% की बड़ी हाई ग्रोथ इंडिया की रही है इसमें ई कॉमर्स में। तो वर्ल्ड में ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है ये जो ग्रोथ है 51%। इसका कारण ये रहा है कि हमारे यहाँ स्मार्टफोन्स काफ़ी पेनिट्रेट कर गए हैं, बहुत लोगों के पास हो गए हैं, इंटरनेट की सुविधा सभी के पास है, और सबसे बड़ी बात कि ई कॉमर्स पे जो बड़ा हैवी डिस्काउंट मिलता है उसकी वजह से भी परचेजिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रीक्वेंट और बल्क में होती है, इसलिए ये काफ़ी इसकी हाई ग्रोथ हुई है ई कॉमर्स की इंडिया में 51%, जो कि हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। CCEA यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने 60% की वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए अप्रूवल दिया हुआ है। ये है नॉर्थ ईस्टर्न गैस ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए। वायबिलिटी गैप फंडिंग एक तरह से ग्रांट्स मिलती है इसमें, PPP मॉडल पे ये काम करेगा और ये ग्रांट्स प्रोवाइड करेगा इस प्रोजेक्ट के लिए। तो इसमें 60% की VGF की अप्रूवल मिली हुई है CCEA द्वारा। इस प्रोजेक्ट का जो नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट है इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका एम ये है कि जो रीजनल इम्बैलेंस है इंडिया में, जो कि आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी कम डेवलपमेंट हुआ है, तो उस जो गैप है डेवलपमेंट का उसको फिल करने के लिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी हेल्पफुल होगा। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में जो नॉर्थ ईस्ट के हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल होगा ये प्रोजेक्ट। ये जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है इसको NEGG प्रोजेक्ट में जो इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है इसकी वो इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड है IGGL। तो IGGL जो है वो एक जॉइंट वेंचर है, कोई एक कंपनी नहीं है, जॉइंट वेंचर है 5 कंपनियों की। 5 कंपनियों में से गेल है, IOCL है, ONGC है, OIL है और NRL है। तो ये 5ों कंपनीज जो हैं एक तरह का जॉइंट वेंचर बनाकर और फिर उसके बाद इनको इन्होंने ये फंडिंग लेके इन 8 स्टेट्स में काम करना है पूरा। 1656 किलोमीटर्स का ये पूरा प्रोजेक्ट है और जो कि सीसी जो 60% का अप्रूवल है वो CCEA द्वारा हो गया है वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए। रेल मंत्रालय और नीति आयोग ने जो है प्राइवेट एंटिटीज़ को, प्राइवेट कंपनीज़ को भी पैसेंजर ट्रेन्स के ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रपोजल दिया हुआ है जिसमें 100 रूट्स डिसाइडेड हैं और अभी फ़िलहाल 100 रूट्स पे काम चलेगा, जो कि 10 से 12 क्लस्टर्स में अलग अलग डिवाइडेड होंगी। तो अभी पैसेंजर ट्रेन्स में भी आप प्राइवेटाइजेशन देखेंगे। सो गाइज, करंट अफेयर्स के फर्स्ट वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।